और रिया चक्रवर्ती इस वक्त साइन अस्पताल में ले जाई गई हैं, जहां उनका आज कोरोना टेस्ट भी होगा। पंकज और जानकारी दे रहे हैं विस्तार से। पंकज बताइए, टेस्टिंग जो मेडिकल टेस्टिंग है क्या क्या होगा उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई के सायन अस्पताल में लेके आया गया है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये सामने सायन अस्पताल है। अब हम सड़क के इस तरफ आ गए हैं क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ जमा हो गई है और पेंडेमिक को देखते हुए वहां पर खड़े रहना तो खतरा है। इस वक्त हम यहां पर आ गए हैं और मैं बताऊं, जो ये मेन गेट है, यहीं से उनकी गाड़ी अंदर गई है और मेन गेट को इस वक्त बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस का भी काफी बड़ा जमावड़ा है, गेट के अंदर भी और गेट के बाहर भी। लेकिन फिलहाल ये तो कहना पड़ेगा कि जिस तरीके का यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, मुंबई पुलिस या ट्रैफिक पुलिस उससे काफी अच्छा कर सकती थी, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर जो क्यूरियस क्राउड है इस वक्त बहुत ज्यादा जमा हो गया है और ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। वापस आते हैं आपके पास, वापस आते हैं, तस्वीर दिखाइएगा वहां। चित्रा त्रिपाठी कुछ जानकारी दे रहे हैं, बताइए चित्रा क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ही कोर्ट में पेशी की जाएगी। आशुतोष हमारे साथ है, आशुतोष क्या जानकारी? चित्रा, एनसीबी के जरिए औपचारिक तरीके से हमें बताया गया है, सबसे पहले तो उन्हें सायन अस्पताल ले गया तमाम दर्शकों के लिए, वहां पर कोविड टेस्ट भी उनका किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट, क्योंकि उनमें रिमांड की मांग की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साढ़े सात बजे शाम का समय दिया गया है, थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंचेंगी। 7:30 बजे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ही आदेश था 6 तारीख को, क्योंकि कोविड का मामला है और कई सारी शिकायतें थी। ऐसे में सोशल कोविड का एक और मामला यहाँ पर भी सामने आया था, कोविड का एक मामला जिस एनसीबी के दफ्तर है यहाँ पर भी सामने आया था, जिसके बाद ये तय किया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी शाम 7:30 बजे। बिल्कुल, और इसीलिए पहले यहाँ पर देखिए सैनिटाइजेशन भी किया गया था, जितने भी वार्ड है जितने भी रूम है सैनिटाइजेशन किया गया था, और ठीक 7:30 बजे का समय आज तक पर बड़ी खबर उनको पेशी की जाएगी। और जहां तक हमें जानकारी है, जो सूत्रों के मुताबिक है, 6 से 7 दिन का रिमांड एनसीबी मांग सकती है। लेकिन 6 से 7 दिनों का रिमांड, 6 से 7 दिनों का, क्योंकि कल ही बाकी के जो आरोपी हैं, आप याद रखें कि अब तक जो 9 गिरफ्तारियां हुई हैं पेडलर समेत शौविक चक्रवर्ती की, उनकी रिमांड कल खत्म हो रही है, उनको कल पेश। लेकिन आशुतोष ये बताइए, 6 से 7 दिनों की रिमांड की आप बात कर रहे हैं, पहले से ही बीते 3 दिनों से पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की जा रही थी, तो अभी कौन कौन से सवाल बाकी रह गए हैं कि अभी भी 1 हफ्ते का रिमांड यहाँ पर एनसीबी को चाहिए? इसे ऐसे ध्यान रखें कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और या आत्महत्या का मामला जांच नहीं कर रही है, वो ड्रग सिंडिकेट की जांच कर रही है, और इस सिंडिकेट की जांच में वो ये दलीलें देगी कि हमें कस्टडी की इसलिए जरूरत है ताकि कस्टोडियल इंटरोगेशन के जरिए हम ये पता कर सकें कि बॉलीवुड मुंबई समेत ड्रग कार्टेल के जो तार हैं वो कहां कहां तक हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन तो होगा, लेकिन आगे कई सारी गिरफ्तारियां होंगी। इस समय भी एनसीबी जो है जगह जगह, आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी की जाएगी, उसके बाद आज ही रिमांड मांगी जाएगी, कहा जाएगा हफ्ते भर के लिए हमें दीजिए। बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जिनका जवाब लेना बाकी है। एनसीबी की टीम ने शौविक चक्रवर्ती, सेमल मिलराना, दीपेश सावंत को भी हफ्ते भर के लिए मांगा था, लेकिन 4 दिनों की रिमांड मिली थी जो कल खत्म हो रही है, और अब उनके साथ एक बार फिर से आमने सामने बिठाकर पूछताछ इसलिए हफ्ते भर की रिया चक्रवर्ती की कस्टडी की मांग की जाएगी। मतलब इसमें देखिए, हमें यहाँ भी बताया गया कि वो जो है रिमांड मांगने जा रहे हैं, और ये जो 3 दिन का समय है ये व्यर्थ नहीं हुआ है, इन 3 दिनों में भी तो पूछताछ हुई है। आगे जो रिमांड का समय उन्हें अगर मिलता है तो वो इस जांच में इसको और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि रिमांड में फर्क इतना होता है कि 24 घंटे एजेंसी के पास ये वक्त होता है, क्योंकि आपका आरोपी आपके पास है, मौजूद है, आप पूछताछ कर सकते हैं। और अमूमन देखिए इस तरह में ऐसा क्या होता है कि जो भी एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार करती है वो 7-8 दिन रिमांड मांगती है, उसे भी पता है कि मजिस्ट्रेट कई बार या कोर्ट से, जो भी कंसर्न कोर्ट है वहां से 3-4-5 दिन की रिमांड मिलती है, तो इसीलिए रिमांड वो कोशिश करेगी कि ले रिया चक्रवर्ती को। लेकिन हाँ, 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 7:30 बजे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अभी मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को यहीं पर लेकर आया जाएगा और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक और ब्रेक की देखिए, गिरफ्तारी के बाद पेश किया जा रहा है। देखिए अब जो है एनसीबी की ओर से जो जानकारी आ गई है, रिमांड ही नहीं मांगेगी, यानी इसका मतलब जो गिरफ्तारी जिन धाराओं में दिखाई गई है एनसीबी पूछताछ कर चुकी है, शायद उसकी पूछताछ पूरी है। और आज ही अरविंद ओझा ने बताया था कि 25 बड़े नाम बॉलीवुड के सामने आए, लेकिन इस समय जानकारी अरविंद ओझा की ओर से आ रही है एनसीबी रिमांड ही नहीं मांगेगी। ये अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और ऐसे केस में दरअसल होता यह है कि अगर आप रिमांड नहीं मांगते हैं
तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सीधे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेज देता है, जैसा कि दूसरे केस में हमें अमूमन देखा है। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती सत्र न्यायालय यानी उससे ऊपर की कोर्ट में आगे बेल के लिए भी मां याचिका लगा सकती है। बड़ी खबर यह कि एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, 7:30 बजे पेशी है, लेकिन रिमांड ही नहीं मांगेंगी। एनसीबी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जैसा कि अरविंद ओझा के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, देखिए यहाँ पर एनसीबी के जो टॉप सोर्सेज हैं वो लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, जिसके आधार पर 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहीं से की जाएगी, कोर्ट में पेशी की जाएगी रिया चक्रवर्ती की। चूंकि बीते 3 दिनों 20 घंटे की पूछताछ में बहुत सी सारी जानकारी मिल गई है, तो अगर रिमांड नहीं मांगी जाती है तो न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाएगा और फिर बेल के लिए रिया चक्रवर्ती अपनी तरफ से अप्लाई करेंगी ताकि उनको जल्द से जल्द बेल मिल जाए। लेकिन कहा यह गया था कि दरअसल यहाँ पर अस्थायी जेल भी है अंदर और उसको भी तैयार किया जा रहा है कि अगर रिमांड मांगेगी फिर यहीं रखकर जाएगी। इसको चित्रा पुलिस स्टेशन की तरह समझिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल की। पवन एक बार तस्वीरें दिखाई, ये पुलिस स्टेशन, ये जो बिल्डिंग है ये एक तरह की पुलिस स्टेशन होती है, जैसे एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई है, पुलिस है, नार्कोटिक्स, इनके पास अपना सेल भी होता है। ये सेल इसलिए भी, मैं आपको बताऊं कि फरदीन खान को जब ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था तो यहीं रखा गया था। कितने दिनों तक? ये फरदीन खान ने 10 से ज्यादा दिनों का समय लगभग यहाँ पर बिताया था, क्योंकि उस समय इसी बिल्डिंग में उस समय उनको रिमांड दिया गया था। और चूंकि जब पूछताछ चल रही है तो पुरुषों के लिए अलग लॉकअप है, महिलाओं के लिए लॉकअप है। और परसों ही हमने खुद ये जानकारी दी थी कि जो महिला के लिए लॉकअप है उसे साफ सफाई की गई थी, यहाँ तक कि कल जब ये मामला आया कि एक जो इसमें आरोपी है उनको कोविड हुआ है, तो उसके बाद पूरे दफ्तर की सारे लॉकअप का सैनिटाइजेशन भी किया गया था। और वो महिला लॉकअप जहां पर है रिया चक्रवर्ती को वहां रखा जाएगा। और इसमें जो सीआरपीसी के तहत नियम है, जिस तरह के अधिकार एक आरोपी को प्राप्त हैं उन तमाम अधिकारों को रिया चक्रवर्ती उसका इस्तेमाल कर सकेंगी। लेकिन चूंकि अब उन्हें अगर जो जानकारी आ रही है कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी, ऐसे में पूरी संभावना है कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। ये आम तौर पर प्रक्रिया है जिस तरह के हमने अब तक केसेस देखे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें कि एनसीबी की टीम ने बीते 3 दिनों में 20 घंटे की पूछताछ की है, रिमांड अब नहीं मांगेगी एनसीबी की टीम। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7:30 बजे पेशी की जाएगी, लेकिन रिमांड नहीं मांगेगी। रिया चक्रवर्ती से जो जानकारी एनसीबी को चाहिए थी वो मोटी जानकारी उसे मिल चुकी है और अब रिया चक्रवर्ती को 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसी दफ्तर से पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कोर्ट की कार्रवाई, यानी कि अगर रिमांड नहीं मांगती है तो फिर रिमांड नहीं मांगने की दिशा में होता है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा न्यायिक हिरासत में और फिर रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए अपने बेल के लिए अप्लाई करेंगी। और जैसा कि ड्रग पैडलर के भी कुछ मामलों में हमने देखा उन्हें जमानत मिल गई थी, रिया चक्रवर्ती के मामले में क्या होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रोहित, आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, एक तरफ कोविड टेस्ट इस समय किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती का हॉस्पिटल में, तो वहीं दूसरी तरफ इस टेस्ट के बाद सीधे उनको लेकर आया जाएगा इसी एनसीबी के दफ्तर, नारकोटिक्स विभाग के इसी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा। और फिर 7:30 बजे, इस समय 5:02 हो रहे हैं, 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती को रोहित यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई जाएगी और उसके बाद कोर्ट आगे इस पूरे मामले में क्या निर्णय देता है ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज का दिन सबसे पहले आज तक के अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई कि कैसे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पूरे मामले पर होती है, 20 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ। और यहां पर बता दें 35 घंटे की पूछताछ सीबीआई की, 20 घंटे की पूछताछ एनसीबी की, यानी कि अब तक तकरीबन 55 घंटे की ये लंबी चौड़ी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। सीबीआई मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत के पीछे की वजह क्या है, क्या सुसाइड है, सुसाइड के लिए क्या रिया ने उकसाया या कोई और वजह है या फिर हत्या का मामला है। लेकिन एनसीबी यहां पर ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। और आज की ही सबसे बड़ी खबर जो आज तक ने अपने दर्शकों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष और सबसे पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ देश का सबसे बड़ा चैनल होने के नाते वापस आते हैं आपके पास अपने दर्शकों को। एक बार फिर से हम बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि एनसीबी रिया का रिमांड नहीं मांगेगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया का रिमांड नहीं मांगेगी। पिछले 3 दिन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी, रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किया है, जो खबर आज तक ने सबसे पहले आपको बताई है। और अब जो आज तक आपको बता रहा है, आज शाम को ही रिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन रिया का रिमांड एनसीबी नहीं मांगेगी। अरविंद ओझा, क्यों रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी, बताइए। अरविंद, तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें 3 दिन के बयान एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती के लिए गए हैं। आज इसलिए
रिया चक्रवर्ती का रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं मांगेगा। बहुत मुमकिन है उसके बाद अदालत रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दे। क्या रिया चक्रवर्ती के वकील, जो कल तक कह रहे थे हमने कोई जमानत की अर्जी नहीं लगाई है, आज जमानत की अर्जी लगाते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी। अरविंद ओझा बताइए, जानकारी क्या आ रही है आपके पास? अरे सर पैचू आधे अरविंद, मेरी आवाज आ रही है आप तक, तो बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है? रिमांड नहीं मांगने का मतलब क्या है अरविंद ओझा? तो रिया चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा आज ही शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी अदालत में पेशी हो जाएगी। इस समय रिया को अस्पताल ले जाया गया, साइन हॉस्पिटल में रिया का मेडिकल चेकअप हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि साथ ही साथ कोरोना का टेस्ट भी रिया चक्रवर्ती का किया जा रहा है। शाम 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने और एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगेगी। अरविंद ओझा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वापस आते हैं आपके पास। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की रिया को लेकर पहुंची एनसीबी की टीम साइन अस्पताल, जहां रिया का मेडिकल टेस्ट इस समय कराया जा रहा है और मेडिकल चेकअप कराने के बाद वापस रिया को उसी एनसीबी दफ्तर लाया जाएगा जहां 3 दिन से पूछताछ चल रही थी। आज तक ने 3 दिन पहले आपको बता दिया था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की सूरत में वहां पर बाकायदे एक लॉकअप को साफ करा लिया गया है, महिला को जिस लॉकअप में रखा जा सके, इसलिए बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को वहीं पर लाकर रखा जाए। एनसीबी को लगता है कि एनडीपीएस एक्ट में जो बयान 3 दिन तक रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं वो काफी हैं, लिहाजा रिया का रिमांड मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त साइन अस्पताल में मौजूद है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त एनसीबी के दफ्तर मौजूद है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ आ गए और जानकारी लेकर। अरविंद बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जो हमें अभी जानकारी मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से कि रिया चक्रवर्ती का जो रिमांड है वो नहीं मांगेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और उसके पीछे वजह है ये है कि जो 3 दिन का बयान दर्ज हुआ है वो 67 एनडीपीएस एक्ट में पहले ही रिया चक्रवर्ती का बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज कर लिया है। और ये बयान आपको बताऊं, ये बयान जैसे एक पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है 161 का बयान, उससे थोड़ा डिफर होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो DRI ये दो इस तरह की एजेंसियां हैं जिनके सामने अगर कोई शख्स बयान देता है तो बयान ही काफी होता है और उसी बयान को अदालत में दिया जाता है और वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। तो अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक की जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया की जो रिमांड है वो नहीं मांगने जा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने 3 दिन तक ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती को एग्जामिन किया है और जो कुछ रिया चक्रवर्ती ने बताया है वो उन्होंने 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत वो बयान दर्ज किया है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7:30 बजे सुनवाई होगी इस मामले पर रोहित। बिल्कुल, लेकिन अरविंद ओझा अब जबकि वो रिमांड नहीं मांगेंगे आगे क्या सूरतें हो सकती हैं और उनके वकील क्या कह रहे हैं, क्या वो अब जमानत की अर्जी लगाएंगे या अब भी नहीं, अब भी यही कहेंगे कि प्यार करने की ये सजा है तो यही सही? जी देखिए अभी आगे की जो रणनीति है वो आगे की रणनीति का खुलासा वो उनके वकील करेंगे। देखिए इसमें जो इस पूरे केस में आपको बताऊं, लगातार हर तरफ से कानूनी दांव पे चल रहे हैं, खासकर जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करके चौंका दिया, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से तैयारी थी, जो जितने लोगों के भी व्हाट्सएप चैट मीडिया में आ गए थे वो सभी लोग पहले से तैयार हो चुके थे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, खुद भी वो तैयार हो चुके थे, उनके वकील भी तैयार हो चुके थे, उनके बहुत अच्छे से मालूम था कि एक लंबा गैप हो चुका है, कम से कम मेडिकल जांच कराई जाएगी तो उसमें हम पाक साफ निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कहें तो जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेशन में रणनीति बना रही है, जो आरोपी है वो अपनी तरफ से रणनीति बना रहे हैं और कानूनी पहलुओं पर हर तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, जिसका जिक्र आपने किया प्यार इस मोहब्बत वाला, और ये एक मैसेज नहीं बल्कि 2 बार आ चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन है ये दूर DRDO में बैठी CBI के अफसर भी देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज आपको बता दूं,
ड्रग्स का लेन देन हो रहा है। रिया चक्रवर्ती उनके भाई सुशांत को ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं ड्रग्स पेडलर से, नंबर एक। नंबर दो, रिया चक्रवर्ती कहती है कि वो बहुत प्यार करती थी। नंबर तीन, वो कहती है कि सुशांत बीमार थे और 5 डॉक्टरों से इलाज करवा रहे थे। तो इन सब के बीच वो चैट व्हाट्सएप अगर दिखा दिया जाए 15 मार्च 2020 का, कि जब एक तरफ आप 5-5 डॉक्टरों से इलाज करा रही थी, तो फिर ये कौन है जिसके लिए आप कह रही थी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है और अपने भाई से कह रही थी कि अरेंज करा दो। तो सीबीआई की नजर भी इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच पर होगी। बहरहाल हमारे पास जो जानकारी है हमारे सूत्रों के हवाले से कि वो रिमांड नहीं मांग रहे हैं रिया का, हालांकि कुछ देर बाद और काफी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है रिमांड नहीं मांग रहे हैं रिया चक्रवर्ती का। उनका कहना है कि उन्होंने 3 दिन तक एग्जामिन किया है और जो कुछ भी उन्होंने बताया है वो 67 NDPS एक्ट के तहत बयान दर्ज हुआ है जो कोर्ट में मान्य होता है। जो कुछ भी उन्होंने बोला होगा, जो कुछ भी उन्होंने कबूला होगा, वो सब कुछ। तो आज रात रिया को लॉकअप में रहना होगा NCB के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज की रात तो उन्हें लॉकअप में रहना होगा, हवालात में रहना होगा, और अगर अदालत में पेश किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया तो वो देखने वाली बात होगी कि वो फिर कहाँ जाती हैं, जेल सलाखों के पीछे कहाँ जाती हैं। और इन सब के बीच उनके जो वकील है वो जमानत लगाते हैं नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको बता दूं रोहित, यहाँ इसके अंदर हवालात की भी व्यवस्था है, महिला हालात की भी हवालात की व्यवस्था है, और 2 दिन पहले जो हमें जानकारी मिली थी हवालात को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करा दिया गया था पूरी तरह से, चूंकि कोविड चल रहा है इसलिए जो कुछ भी कोरोना काल के दौरान जो प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोटोकॉल तैयार के तहत सफाई कर ली गई थी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही काफी एविडेंस थे। ये तो एक महज खाना पूर्ति थी, इसलिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो रिमांड है वो क्यों नहीं मांगेगी। दरअसल पहले से ही तमाम आरोपी गिरफ्तार है। अदालत में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गई तो उन्होंने कहा कि हम रिया से पूछताछ करना चाहते हैं, पूछताछ इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे पास जो आरोपी हैं उन आरोपियों ने रिया के को लेकर कई बयान दिए हैं, उनको कन्फ्रंट कराना है। तो इसी बिल्डिंग में रिया को तमाम आरोपियों के साथ कन्फ्रंट करा दिया गया, तो और 3 दिन तक पूछताछ हुई। वो पूछताछ 67 NDPS एक्ट में उनके बयान दर्ज हुए। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने आज तक को बताया कि हमने 3 दिन तक एग्जामिन किया है, अब हमें रिमांड की जरूरत नहीं है। ठीक, ये देखना होगा कि अदालत में क्या फैसला लेता है। 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी है। फिलहाल जो है रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराया जा रहा है। रोहित, आपके पास वापस आते हैं। अरविंद ओझा बने रहेगा हमारे साथ, चित्रा त्रिपाठी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हमारे साथ मौजूद हैं, जहां बताया जा रहा है कि रिया के वकील भी पहुंच जाएंगे अभी, क्योंकि रिया की पेशी होगी अदालत में 7:30 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी, जिसमें अरविंद ओझा बड़ी खबर दे रहे हैं कि रिमांड नहीं मांगा जाएगा। श्रेय नारायण अभिनेता हमारे साथ हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ हैं, वो अभिनेत्री हैं, एलन राव हमारे साथ हैं, पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के, रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, नासिर अब्दुल्ला अभिनेता हैं, उरुषा पांडे हमारे साथ हैं, आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं वकील हैं, विकास गुप्ता हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले मानवी तनेजा, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इंसाफ के लिए आप आवाज उठाती रही, मानवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अभी। अपने दर्शकों को बता दें कि मानवी तनेजा लगातार पिछले कई दिन से आवाज उठाते रहे। श्रेय नारायण, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, श्रेय नारायण, रिया की गिरफ्तारी से संतुष्ट हैं आप, खुश हैं? हालांकि गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हुई है, सुशांत की हत्या का इससे कोई लेना देना नहीं है, मौत का कोई लेना देना नहीं है। सुशांत की हत्या का अगर ड्रग से लेना देना है तो रिया की क्वेश्चनिंग से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो इस सांठगांठ को सबके सामने लाएगी। और उनका जो उन्हें अरेस्ट किया गया है सेक्शन 29 में, जो अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन है। साथ ही साथ जो आपने कहा कि रिमांड नहीं मांग रही है NCB, इसका मतलब व्हाटएवर क्वेश्चनिंग दे हैव डन, there is nothing left to question. They have all the material which is possible. So they have gotten all the material. They have gotten names of 25 Bollywood people. They have gotten the connections. So sirf Dipesh or Shovik or Samuel ne bhi wahan pe unki madad ki. Aur 70 deleted chats hain. Shovik ka confession hai. Riya aur Shovik ke chats hain. Bahut sari laptop, phone. सब चीजों का ये मिश्रण है कि आज उन्हें अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि रिमांड नहीं चाहिए, इसका मतलब
क्वेश्चनिंग के लिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, ये कल्पेबिलिटी दिखाती है। तो यस, जो लोगों ने ये मुहिम छेड़ी थी शुरू से, जो लोगों ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए सुशांत सिंह राजपूत केस में, जो उन्हें नहीं मिल रहा था, हमें नहीं मिल रहा था इन्वेस्टिगेशन, तो जो मुहिम छेड़ी है उसका ये फर्स्ट विक्ट्री है कि अभी धीरे धीरे लोग जो हैं, जो उस केस से जुड़े हुए थे, वो सामने हमारे आ रहे हैं, वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी कल्पेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है और इनकी क्वेश्चनिंग से हमें और भी चीजें आगे मिलेंगी। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ के। विकास गुप्ता, दुखी तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि आप पहले दिन से कह रहे थे कि इसमें तो कुछ बनता नहीं, इसमें तो ड्रग्स तो मिली नहीं रिया के पास से, जब ड्रग्स मिली नहीं तो फिर गिरफ्तार किस बात का करेंगे, आज तो गिरफ्तारी हो गई। दो बातें रोहित जी मैं कहूं, मैं एज ए डिफेंस लॉयर बहुत ज्यादा अरेस्ट को और नहीं अरेस्ट को मैं कुछ बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि अरेस्ट करना प्रेरोगेटिव है। अभी आपने कहा, मैंने तो उनकी रिमांड एप्लीकेशन तो देखी नहीं है और कौन से सेक्शन में, लेकिन जो अभी सिर्फ टीवी पे सुना है कि 29 में वो कॉन्स्पिरेसी में कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी की अगर कॉन्स्पिरेसी भी है तो भी वो ऑफेंस स्मॉल क्वांटिटी का ही आता है। लेकिन आजकल हालात ये है कि आप रिमांड एप्लीकेशन में तो क्वांटिटी लिखते नहीं हो, और मैं जज के विजडम पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जज को आप केस डायरी दिखा करके रिमांड ले लेते हैं या जुडिशियल रिमांड ले लेते हैं। तो भाई बड़ा अद्भुत केस है कि जहां पे स्मॉल क्वांटिटी के केस को एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल देने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा नहीं है कि हमने 85 केस देखे हैं या एनसीबी और डीआरआई इन एंगल्स को लेके आती है लेकिन कोर्ट में स्क्रूटनी के वक्त खड़े नहीं हो पाते। अच्छा, अगर किसी जो चैट्स ईडी ने कुछ सिलेक्ट मीडिया चैनल्स को लीक करी थी, वो सारी की सारी चैट्स रोहित जी सिर्फ एक पटे उंगली इशारा करती थी स्मॉल क्वांटिटी की तरफ, और स्मॉल क्वांटिटी सिर्फ 6 महीने तक की सजा है या फाइन है। लेकिन आप अगर जुडिशियल रिमांड में भेजने के लिए आप अपनी केस डायरी में कॉन्स्पिरेसी का एंगल, एक बहुत बड़ा एंगल दिखाना चाहें, उसके लिए कोई रोक तो सकता नहीं है। और कोर्ट्स भी शुरुआत में कस्टडी या जुडिशियल रिमांड में भेजने को इसलिए नहीं होते, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए। अब देखने की गौरतमंद बात यह है कि क्या उनके वकील आज ही बेल लगाएंगे या कुछ एक दो दिन रुकने के बाद बेल लगाएंगे। आपको लगता है आज लगाएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे थे प्यार करने की सजा, तो फिर यही सही। देखिए, अगर सिर्फ मीडिया की ट्रायल से अगर देश में सजाएं होने लग जाए, अगर देखिए अरेस्ट करना, आप मीडिया ट्रायल के इतने विरोधी हैं, लेकिन यहीं बैठ के इतने सारे केस आप लड़ चुके हैं, कितनों में आपने देखा कि यहां से फांसी की सजा हो गई किसी को, या कोई जेल चला गया यहां रोहित सरदाना के कहने से? नहीं गया ना सर, आप भी जानते हैं उस बात को, फिर बार बार उस चीज को घुमा के वहां ले जाते हैं जहां से आप कोशिश करते हैं कि एक एस्केप रूट पकड़ सके। नहीं, मैं कोई एस्केप रूट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप देखिएगा जिस तरह से मुझे लगता है 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो पेडलर्स भी थे उन तक को भी बेल मिल गई है। ये लोग तो सेल्फ कंजम्पशन या सुशांत की कंजम्पशन तक की लिमिटेड है, आप इस बात को समझिए। दे आर ऑन अ बेटर फुटिंग देन द पेडलर्स, जिन 3 पेडलर्स को ऑलरेडी बेल भी दे चुकी है मुंबई की सेशंस कोर्ट। विकास जी, ये साबित करना, अगर ये स्थिति आती है कि ये साबित करना कि सुशांत को ये लोग ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, सीबीआई की या एनसीबी की? अब मैं आपको बताता हूं कि ड्रग्स अगर पोजेशन में मिलता है तो ओनर्स अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। जब पोजेशन नहीं होता सेक्शन 54 का कल्पेबिलिटी का, तो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना होता है। कुछ लोग यहाँ पे आकर के आपके चैनल्स पे या और चैनल्स पे गलत कानूनी सलाह दे रहे हैं कि जी ये अक्यूज का ओनर्स है। अक्यूज का ओनर्स तब होता है जब उसके पोजेशन में से मिली जाती है, और इनमें से किसी के पोजेशन से कोई चीज बरामद नहीं हुई है, ठीक। उमाकांत मिश्रा जी, एनसीबी रिमांड क्यों नहीं मांगेगी, क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है ना मांगने का रिमांड? देखिए रोहित जी, इसका तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन का जो गोल था या रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो चुका है, ठीक। क्योंकि वो कंटिन्यूसली 3 दिन उनको रखा गया और उनको घर छोड़ा गया, बार बार बुलाया गया, और इन्हीं बीच में जो व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी एक्यूज थे उनको रिमांड में लिया जाके उनसे कन्फ्रंटेशन किया गया, कोरोबोरेशन लिया गया, और ये सारे के लिए अभी इमिडिएटली और उनको रिमांड कंटिन्यूस ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरी और एक जो बड़ी वजह हो सकता है, देखिए 27-28
अगस्त का और आज के बीच में क्या फर्क क्या है? अभी जो स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही है या पोजीशन की बात हो रही है, दो चीज़ें मैं अभी उसका एक डिफरेंशिया में न्यूएंस बताना चाहूँगा आपको कि 27-28 में बाकी जो ये लोग अरेस्ट हुए स्मॉल क्वांटिटी में उनको बेल मिल गया, लेकिन अभी दो दिन पहले जो अनुज केसवानी का जो सीजर हुआ जिससे कंटैक्ट में कैजान के रेफरेंसी में जो इनको पकड़ा गया, उनके पास जो ड्रग्स के सीजर हुए वो डेफिनेटली लार्ज क्वांटिटी में, पर्टिकुलरली जो एलएसडी पकड़ा गया, जो बताया जा रहा है कि 0.61 ग्राम्स पकड़ा गया है वो कमर्शियल क्वांटिटी का है। अभी हाउ फार रिया का स्टेटमेंट में या बाकी सबका कोरोबोरेशन में उसका लिंक बन पाया है? अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो बेल बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए शायद उनके वकील ये कह रहे हैं कि भाई अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनका तालुकात अगर कमर्शियल क्वांटिटी से बन जाता है, क्योंकि हम तो जानते नहीं एनसीबी का क्या बोला, रिया ने क्या स्टेटमेंट दिया या कायजान ने क्या स्टेटमेंट दिया, अनुज ने क्या दिया, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ये लिंक बनता है, क्योंकि बेसिकली आपको मानना पड़ेगा ये 29 का कंस्पिरेसी वाला एंगल है एंड एवरीथिंग इज माने सब कुछ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अभी अगर लार्ज क्वांटिटी अगर कमर्शियल क्वांटिटी से इसकी तालुकात बन जाती है रेफरेंस तो बेल मिलेगा नहीं, तो इसीलिए बेल अप्लाई करने के लिए भी जरूरत नहीं है। ठीक मानवी तनेजा, झगड़ा था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण तक पहुंचने का कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, गिरफ्तारी हुई रिया की ड्रग्स के कनेक्शन में, आप लोग फिर भी खुशी मना रहे हैं कि रिया गिरफ्तार हो गई? हाँ जी, मैं तो खुशी मनाऊंगी बिकॉज अब रिया गिरफ्तार होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रिया एक प्राइम सस्पेक्ट है, शी इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द होल क्राइम सीन, तो अब जब उसका अरेस्ट हुआ है शील बी आस्क्ड क्वेश्चंस और उसको सारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। तो अब वो जैसे अरेस्ट हुई है तो अब 130 करोड़ की जनता को पता लगेगा कि एक्चुअल 14 तारीख को हुआ क्या था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्या दुर्घटना उसके घर में हुई थी एसएसआर के। और जब ये इसके भाई को अरेस्ट करा था शोविक चक्रवर्ती को, ये रो रो के फूट फूट के पागल हो गई, और जब एसएसआर की डेथ हुई इसका एक आंसू नहीं निकला, आग से एक आंसू नहीं निकला, मतलब शी वॉज नॉट गिल्टी, मतलब वो दिखा रही है ऐसे कि कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत हो गया क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रिया के हिसाब से, अब कुछ एक्शन की बारी होगी और कुछ ना कुछ तथ्य जरूर सामने निकल के आएगा। अगर जमानत मिल गई कोर्ट से रिया को तब क्या कीजिएगा? तो दोबारा उसमें कुछ ना कुछ इंक्वायरी होगी बिकॉज ये तो चीज यहां खत्म तो होगी नहीं ना, यहां पे वो एक बार शुरू हो गया है, सीबीआई भी अपना काम कर रहा है, सीबीआई क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रहा है, तो ये चीज यहां खत्म नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं फिर कठेरे में आ जाएगी रवि जी, बिकॉज वो लिंक है हर जगह, आपको पता है दो डॉट्स हैं, वो दो डॉट्स को मिलाने में ज्यादा देर लगेगी नहीं। बोलिए रवि जी, क्या बोल रहे हैं? आपके सामने अभी अभी बहुत से वकील जो है ना वो अपनी राय दे चुके हैं, जो अब तक 3 दिन की पूछताछ हुई है वो 67 सेक्शन में हुई है एनसीबी से, और वो इक्विवेलेंट माना जाता है 164th सीआरपीसी का मजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो उसका बयान है 3 दिन के अंदर वो हो चुका है, इसलिए अब उसको रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये स्टेज जो है अब उसमें कुछ आगे बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको आराम से उसमें बेल मिलेगी, क्योंकि जो सेक्शन लगाए गए हैं उनमें कुल सेक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ी सजा का प्रावधान भी इंक्वायरी कर रही है। मैडम आपको मैं सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है, मगर आप धीरे धीरे तथ्य बाहर आ रहा है ना, बिकॉज हर चीज इंटर रिलेटेड है, हर चीज इंटर रिलेटेड है, सीबीआई को अपना काम करने दीजिए, अभी तक मुंबई पुलिस ने काम किया था, एक चीज बाहर आई है ना, सीबीआई को अपना काम करने दीजिए, लेट्स नॉट कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, नहीं पहुंचते ना, आप जब बोल रही थी उन्होंने केवल उंगली उठा के रखी कि इनकी बात खत्म हो तो मुझे बोलने दीजिएगा, उनकी बात सुन लीजिए उसके बाद आपकी आपत्ति आप रजिस्टर कराइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कीजिए रवि जी अपनी बात को, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की जांच या ईडी की जांच को कौन रोक रहा है, जांच हो रही है, जांच जारी है, हमने तो नहीं कह दिया कि बाईस दिन बनी हो गई है, वो जांच कर रही है, मगर इसको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो इसका लीगल एंगल है वो समझे और जज्बातों के हिसाब से फैसला नहीं होगा। इस केस के अंदर जो बात आई है मैं तो इस बात पे ज्यादा संतोष जाहिर कर रहा हूँ कि जो 20-25 कलाकारों के नाम बताए हैं वो पकड़े जाए ताकि ये ड्रग माफिया डिमोलिश हो,
जो पहले बताया वकील साहब, रवि जी, रवि जी, रवि जी, पहले दिन आप इस बात पर थे, पहले दिन आप इस बात पर थे कि ये तो आत्महत्या है, ये कोई अजीब किस्म की रहस्यमय मौत नहीं है, इसमें फालतू में इधर उधर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 15 मिनट में तो मुंबई पुलिस ने साबित कर ही दिया है कि ये रहस्यमय मौत नहीं है, ये आत्महत्या है। उसके बाद आप इस बात पर हो गए कि रिया को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसके बाद आप इस बात पर आ गए कि मौत का तो एंगल ढूंढ नहीं पा रहे, ये तो ड्रग्स का एंगल ढूंढ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स में गिरफ्तार कर लिया तो क्या हो गया, ये तो 2 दिन में जमानत भी हो जाएगी। जो ये बता रहे थे शहजान के साथ से जो सस्पेक्ट बरामद हुआ है उसकी जो FIR है उसका नंबर ही अलग है, वो 16/2020 है, वो केस ही अलग है। उस केस के अंदर उसको चाहे फांसी हो चाहे 20 साल की सजा हो, कोई इस केस के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस केस के अंदर सिर्फ 8 आदमी थे जिसमें 3 की जमानत हो चुकी है, और निश्चित रूप से क्योंकि रिमांड नहीं मांगा गया है, रिया को भी जमानत निश्चित रूप से इस केस में मिल जाएगी। आशुतोष जी, आप भी वकील हैं, जरा आप बताइए आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स केस में होना, अभी तक उस ड्रग्स का मौत से किसी भी तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश ना होना, क्या यह एक सेलिब्रेशन की वजह हो सकती है उन लोगों के लिए जो रिया के पक्ष में बोल रहे हैं? देखिए जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोग ये मीडिया ट्रायल की का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब रिया खुद आई थी और उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि मैंने एक भी ग्राम या कोई भी किसी भी तरीके का ड्रग्स ना मैंने लिया है और ना ही मैंने किसी को दिया है, आज कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हैं वो गलत साबित होते हुए नजर आ रही हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जिसमें उनका भाई शौविक चक्रवर्ती है और भी 8 अलग लोग हैं। इन सब के स्टेटमेंट को देखते हुए और जो व्हाट्सएप का जो चैट हुआ था रिया और मिरांडा और बाकी लोगों के साथ, उन सारे चैट को कोलेक्ट करते हुए ये चीज सामने आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ड्रग एंगल है। और जहां तक क्वांटिटी का बात है तो क्वांटिटी तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये जो सेक्शन 20, 22, 27, 29 जो है NDPS का, उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी भी है, उसके अंदर जो है क्वांटिटी, अगर कमर्शियल क्वांटिटी को अगर हम पकड़े तो 20 साल तक की सजा है अगर कमर्शियल क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करता है वो जो टोटल उसका क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से ड्रग्स का मामला, हाँ मैं ये मानता हूँ कि अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं किया गया है मौत से, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स का तो मौत से रिलेशन साबित हो ही रहा है ना। ये खुद ही बोल रहे थे कि वो जो है डिप्रेशन में था, वो जो है ये दवा ले रहा था, वो दवा ले रहा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब 5-5 डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये लोगों ने खुद कहा, तो उसको ड्रग्स की एडिशनली कहाँ से जरूरत पड़ रही थी और उसको ड्रग्स कौन से दवा के रूप में दिया जा रहा था? इसका मतलब या तो पहले का स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत था जो कि बहुत ही क्लियर है, और जो भी मीडिया में कहा गया यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए मीडिया में कहा गया, क्योंकि क्योंकि एनसीबी ने जब अरेस्ट किया है तो एनसीबी ने बिना कोई पुख्ता सबूत के ऐसे तो कोई अरेस्ट करेगा नहीं, ठीक है। जहां तक बेल का सवाल है, तो जब तक अगर आज ये जब इनका फर्स्ट अपीयरेंस अभी होता है, उस अपीयरेंस में अगर कोर्ट जो है पुलिस कस्टोडियल रिमांड ना दे करके, PCR ना दे करके अगर MCR देता है, मैजिस्ट्रेट कस्टडी देता है, तो ही बेल का एप्लीकेशन फाइल हो सकता है और उसके बाद उसके मेरिट पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक, ऑब्वियसली जी, ठीक, वापस आता हूँ सर आपके पास। लेकिन एलन राव साहब, एक आरोप ये भी तो है ना कि NCB, DRI जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, ये एजेंसियां अदालत में धराशायी हो जाती हैं, वो चीजें साबित नहीं हो पाती बहुत सारे मामलों में ज्यादातर। फिर देखिए रोहित जी, ये डिपेंड करता है हर केस के क्या मेरिट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा केस सक्सेस रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। इस केस में मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ईडी से शुरू होकर जो एविडेंस शुरू की गई थी मोबाइल फोन्स की चैट्स को लेकर, उसके बाद NCB ने केस दर्ज करके, NCB के पास पावर है, जो स्टेटमेंट्स NCB किसी आदमी का अक्यूज का लिखते हैं, NCB है, कस्टम है, DRI है, इन तीनों एजेंसीज के पास में ये पावर है, जो उनके स्टेटमेंट होंगी वो एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, और जो एविडेंस चैट के थ्रू है उनका एविडेंस अगर ओरिजिनल सोर्स मिल जाएगा और उसको 65B एविडेंस एक्ट की सर्टिफिकेट के साथ में अगर देंगे तो वो एडमिसिबल रहेगा कोर्ट में, अगर वो नहीं है तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। राव साहब, एक चीज बताइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं टीवी पर सुन रहे हैं उनको समझाने के लिए एक चीज बताइए, ड्रग मामले में रिया की गिरफ्तारी का सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच पर क्या असर पड़ेगा?
मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर बता देता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में रिया को कई बार इंटरोगेट किया जा चुका है। अगर उस टाइम पर ये रिया चक्रवर्ती कोई चीज छुपा रही थी या झूठ बोल रही थी उसका, और अब जो अरेस्ट होने के बाद में इसका, दोनों टाइम में फर्क है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अभी वो डिमोरलाइज है अरेस्ट होने के बाद में, अगर कोई चीज पहले छुपा रही थी, झूठ बोल रही थी, तो अब हो सकता है सीबीआई के ऑफिसर्स इनको अगर इंटरोगेट करेंगे इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनको डाउट लगता है कि रिया छुपा रही है, तो अब मैं समझता हूं कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जो आदमी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है गिरफ्तारी के बाद, टूट जाता है, मोरल डाउन होता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या एविडेंस उनके पास, ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इसको उसको केस को क्रैक करने के लिए नहीं, लेकिन लेकिन राव साहब आपने एक तस्वीर अगर देखी हो, नासर अब्दुल्ला आ गए उनके पास, चल रहा हूं फिर उर्षा पांडे आपके पास आऊंगा। नासर अब्दुल्ला आपने तस्वीर देखी हो अगर, रिया चक्रवर्ती आज जब अरेस्टिंग के बाद बाहर निकली तो कैमरा को देख के हाथ हिलाया, इसके पहले वो हर बार मुंह छुपा के वहां से निकल जाने की कोशिश में थी। क्या ये दिखाता है कि वो टेंशन में, वो प्रेशर में है, वो दबाव में है, या फिर वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि उनके वकील बचा लेंगे उनको? नासिर अब्दुल्ला, ये तो उनके मानसिक अपना डॉक्टर से या कोई ऐसा मानसिक डॉक्टर हो उससे एक्चुअली पूछना पड़ेगा, या जो साहब अभी बोल रहे थे कि वो डिमोरलाइज हो रही होंगी तो और इंफॉर्मेशन उगल देंगी। तो मैं इस इलाकों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर मैं उनकी जगह में होता तो शायद मैं भी ऐसे हाथ अपना हिला देता। वो ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है, असली बात तो ये है कि उनके पर जो आरोप था वो था 15 करोड़, मतलब ये कि सुशांत सिंह जी के उन्होंने चोरी किए हैं जो कहीं नहीं मिले हैं क्योंकि वो थे ही नहीं। दूसरी बात ये थी शायद उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो उनकी हत्या में, अगर हत्या हुई हो वो भी अभी तक मालूम नहीं हुआ। लेकिन अब जैसा कि ये जो साहब अभी बोल रहे थे कि अब जब फर्दर इंक्वायरी होगी क्योंकि एक इलाके में उनका झूठ जो है पकड़ा गया है, तो शायद और इंफॉर्मेशन आएगा जिससे मालूम हो जाएगा कि भाई और कोई ऐसी बात है जो अभी तक वो एक्चुअली छुपा रही थी, और अब वो साफ आ जाएंगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो असली चार्ज था फैमिली का वो ये था कि उन्होंने उनके पैसे हड़प किए हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं। मानवी बोलिए, अब लड़ाई तो इसी बात की थी ना पहले दिन से। नासिर जी, और ड्रग्स का एंगल तो आपने मेंशन ही नहीं किया, अब ड्रग्स की चैट भी अब जाएंगे। जो उसने इंटरव्यू दिया था उसने क्लियरली बोला था कि नहीं, तो इंटरव्यू में क्यों बोला है, इंटरव्यू में उसने क्लियरली बोला है कि ड्रग्स में नहीं, सुशांत ड्रग्स लेता है, तो अभी ड्रग्स की तो उसमें फंसी है, वो ड्रग्स में ही तो वो फंसी है, ड्रग्स ही तो वो देख लेती है, चैट उसका ड्रग्स का सारा भार में है, ड्रग्स के बारे में उसको छुपा रहे हैं आप, ड्रग्स के बारे में उसका कुछ भी एंगल खोल नहीं रहे हैं आप। ये बता दीजिए ना, ड्रग्स तो वो देती थी, ड्रग्स का नाम जिक्र हुआ है शोविक और रिया की चैट में, तो आप ड्रग्स को कैसे भूल सकते हैं? ये तो सबसे ज्यादा चीज है, इसी वजह से तो वो अभी अरेस्ट हुई है, ड्रग्स ही की वजह से तो अरेस्ट हुई है, तो आप उसका एंगल क्यों नहीं ले सकते? मानवी जी, मानवी जी मेरा एक सवाल है, पैसों का भी खुलासा हो जाएगा। मानवी जी, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ पिछले 85 दिन से सबको, एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला, मेरा एक सवाल है, मतलब ये कि विकलांग थोड़ी है, कोई गुंगी थोड़ी है, आप ले लीजिए, मैंने दूसरा एंगल ले लिया। नहीं नहीं नासिर जी, नासिर जी एक सेकंड, मानवी मेरा एक सवाल है, झगड़ा नहीं, अच्छा झगड़ा नहीं ना, एक सेकंड मानवी मेरा एक सवाल है, लड़ना नहीं है ना नासिर अब्दुल्ला, नासिर जी वो करिए, नासिर जी आप पागल है, आप नहीं, आप अपनी बात जी, मैंने तो पागल आपको बोला नहीं, मैंने तो आपको पागल बोला नहीं, आप खुद पागल बोल रहे हैं अपने आप को, मैंने तो आपको बिल्कुल पागल नहीं बोला, मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया कि ड्रग्स के एंगल को कैसे छोड़ दिया, तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मैं तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि ड्रग्स के एंगल को हम छोड़ नहीं सकते हैं, जब हम सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम ड्रग्स को नहीं छोड़ सकते, अगर यही रिया का फोन उसी वक्त जब्त हो जाता तो बहुत जल्दी पता लग जाता, एक दिन में खुलासा हो जाता ड्रग्स का, क्योंकि फोन का जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाता, नहीं लेकिन लैपटॉप को जब्त नहीं किया। मानवी मेरा एक सवाल है, मैं आप लोगों को पिछले 70-75 दिन से टीवी पर सुन रहा हूँ इन्हीं सारी चीजों को लेकर, पहले कहा गया नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, ये सारे फिल्म स्टार बड़े बड़े परिवारों के ये मिलके बाहर से आने वाले को इस्टैब्लिश नहीं होने देते, ऐसे में छोटे शहर से आया लड़का मर गया, फिर ये कहा गया कि साहब नहीं ये तो रिलेशनशिप्स का कुछ मामला था, डिप्रेशन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई, अब अचानक आप ये कह रहे हैं कि साहब आप ड्रग्स का एंगल क्यों छोड़ रहे हैं? जांच ड्रग्स की नहीं हो रही थी ना मानवी, जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हो रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में नेपोटिज्म के लिए मैं
नेपोटिज्म वॉज नॉट सी ही वॉज नॉट इन टू डिप्रेशन, ये तो मैं आज भी बोलती हूँ, ही वॉज नॉट इन टू डिप्रेशन। हाँ ठीक है, उसको नेपोटिज्म था, लेकिन नेपोटिज्म वो झेल गया, वो हर चीज को इग्नोर कर गया और वो अच्छा। अपनी काबिलियत की वजह से जो भी मुकाम पे पहुंचे, सुशांत को पहुंचे। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ रिया का फोन जब्त कर लेते तो उसी में ड्रग्स का एंगल आ जाता, बिकॉज हर चीज इंटर रिलेटेड है। जैसे दिशा की मौत भी इंटर रिलेटेड है, ऐसे ये भी इंटर रिलेटेड है, बिकॉज ये उसको स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, ठीक है, रिया उसको स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, तो हर चीज की जांच करनी थी ना टाइम पे। अगर जो परिवार कह रहा है वही आप भी कह रही, तो आज कुछ ना कुछ हल में हो जाता और ये सारी एजेंसीज को जो एजेंसीज है उनको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। ओके ओके, श्रेया नारायण कुछ कह रही है, आप कह लीजिए श्रेया जी, फिर रवि श्रीवास्तव और उषा पांडे आपके पास आ रहा हूँ। श्रेया जी आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये ड्रग एंगल की बात आई है वो इस बात से आई, सुशांत के डेथ केस से ही रिलेटेड है, क्योंकि सुशांत ने मर्डर, सुशांत का मर्डर हुआ या उसकी सुसाइड हुई, ये पहले एंगल आया, राइट। तो सभी लोग कह रहे थे कि भाई सुसाइड हुआ है, अब सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, उनको साइकेट्रिक ड्रग्स दिया जा रहा था, साथ में क्या उन्हें नारकोटिक्स ड्रग्स भी फीड हो रहा था, ये व्हाट्सएप चैट से निकला। अब व्हाट्सएप चैट से जब वो बात निकली तब एनसीबी जो है उसमें आई, ये ईडी ने निकाला व्हाट्सएप चैट्स, उसके बाद एनसीबी आई, तो सीधा ड्रग एंगल जो है उसके ऊपर इसलिए नहीं बात हो रही है, वो सब एक के एक साथ गुत्थी जुड़ी हुई है, तो हम सही जगह पे जा रहे हैं। ये एनसीबी ने जो उसके पास डिटेल्स आई होंगी वो सीबीआई से भी शेयर करेगी, तो ये ना सोचे कि सिर्फ ये ड्रग की बातें हो रही है। ओके, है ना। उरुषा पांडे आपको लगता है रिया की गिरफ्तारी ब्रेक थ्रू है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में? रवि जी अभी आ रहा हूँ आपके पास, बोलिए उरुषा पांडे। तो मैं एक्चुअली मैं रिया या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुशांत के जो पिता है, जो फैमिली है, उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उन्होंने 34 इयर्स के एक बच्चे को खोया है, तो ये तो किसी का लॉस नहीं है, ये सबसे बड़े उनकी फैमिली का लॉस है। और ये जो नेपोटिज्म है ये सब इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत एक्टर्स ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम जस्टिस के नाम को लेकर आ गए और आपने कहानी बताने लग गए, तो ये नेपोटिज्म इसलिए आया। नेपोटिज्म वरना सुशांत के लिए नेपोटिज्म कभी फर्क पड़ा ही नहीं था, वो तो बैकग्राउंड डांसर से हीरो बन चुका था, उसके लिए नेपोटिज्म कभी भी था ही नहीं। ठीक, रवि श्रीवास्तव आप बार बार जोर दे रहे हैं 25 लोगों के जो नाम आ रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उन पे कार्रवाई की जाए, ड्रग्स कार्टेल का खुलासा किया जाए, जब कार्रवाई शुरू होगी तो आप ही कहेंगे इनको फंसाया जा रहा, देखो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है इनको। रोहित जी ऐसा है, मैं कभी भी किसी भी ड्रग लेने वाले का या उसका ट्रेड करने वाले पेडलर का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, आप उन्हें जरूर फांसी पे लटकवाइए, और ये मेरी दिली इच्छा है। मेरा एक सिर्फ इतना कहना है कि कोई कोई ये जो आपके पैनल पे महिला आती है वो कहती है उस बच्चे को मार दिया, उस लड़के को मार दिया, अरे भाई 34 साल के नौजवान युवा थे, अपना अच्छा बुरा समझते थे, इतना वर्कआउट करते थे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, कैसे उनको कोई फुसला सकता है, बहला सकता है, ड्रग खिला सकता है, ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर। मैं इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं। और पांच पांच जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इंदुजा में वो एडमिट हुए थे, पांच रिकॉर्ड था उनका ड्रग लेने का, उनकी बहन ने पर्चा मंगाया दिल्ली से आरएमएल हॉस्पिटल से, जो कार्डियोलॉजिस्ट ने लिख के दिया, जो ओपीडी का पेशेंट बता करके फ्रॉड बना करके लिख के दिया, जिसकी कंप्लेंट कल रिया चक्रवर्ती ने दर्ज कराई है सीबीआई और मुंबई पुलिस के पास में। तो मेरा ये कहना है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें उसको बिना वजह दलील करके घसीट करके और परेशान किया जाए। और बता दूं एक जो आपके एक और वकील साहब अभी कह रहे थे कि जो कैजान और बासित परिहार है वो दोनों अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर गए हैं और उन्हीं के स्टेटमेंट के बेसिस पर शौविक की गिरफ्तारी हुई थी, तो ये अभी शौविक की गिरफ्तारी भी सवालों के घेरे में आ गई है। ये मामला अब मैं समझता हूं कोर्ट में गया है और ये अब लंबा चलता रहेगा और इससे कोई नतीजे पे ना पहुंचे कि ये हत्या का मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ अब ड्रग 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 और ड्रग का मामला रह गया है। मानवी बोलिए एक बार और। देखिए मैं इनको यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ कि ये बार बार बोल रहे थे आरव नासिर साहब, ये बोलने फिर आपके पास आऊंगा, बोलिए मानवी। ये डिप्रेशन का एंगल बोल रहे हैं, ये डिप्रेशन का एंगल तो है नहीं, इसको ड्रग्स जो ये ड्रग्स की बात कर रहे थे अभी मेरे से पहले जो बात कर रहे थे वो ड्रग्स, उसको पता ही नहीं है कि वो ड्रग्स दे रहे हैं,
उसको मालूम ही नहीं है सुशांत को कि वो ड्रग्स दे रहा है, वो चोरी छुपे उसको ड्रग्स दे रही थी कॉफी टी या खाने पीने के माध्यम पे, तो जिसको पता ही नहीं है वो ड्रग्स ले रहा है तो वो अपने लिए क्या करेगा। ये कह रहे हैं ना कि वो 34 साल का लड़का है, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है। जब आप चोरी उसके खाने में या कॉफी में ड्रग्स डाल के दे दोगे उसको क्या मालूम है। और जहां तक डिप्रेशन है, बिल्कुल भी नहीं मानते कि सुशांत को डिप्रेशन है, बिल्कुल भी नहीं मानती, और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और ये साबित नहीं हुआ है कि सुशांत को डिप्रेशन है, बिकॉज कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होता कि सुशांत को डिप्रेशन है। हल्के फुल्के टेंशन को ये डिप्रेशन बोल देते हैं, पहले तो ये क्लियर कर लें कि क्या है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। थोड़ी सी टेंशन तो हर आम आदमी को होती है, आप टेंशन को डिप्रेशन बोल देते हैं। टेंशन और डिप्रेशन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। डिप्रेशन दिख जाता है शक्ल से और कैमरे से कुछ नहीं छुपता। अगर बंदा डिप्रेशन में है वो कैमरे में कैप्चर होगा। ओके, मैं नासिर साहब के पास जा रहा हूँ, उसके पहले श्रेया सरन कुछ ऐड कर रही है। एक सेकंड, श्रेया सरन कुछ ऐड कर रही है, बोलिए श्रेया सरन। सभी लोग ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो सुसाइड की स्टार्ट हुई थी फिर ये हो गया। सी द कोर्ट सेज दैट एफआईआर इज नॉट एन इनसाइक्लोपीडिया, कि इट इज जस्ट समथिंग टू स्टार्ट विद एंड आफ्टर दैट वेरियस एंगल्स कैन अनफोल्ड। तो ये जो अभी इन्होंने कहा ना कि अब सब सिर्फ ये ड्रग इन्वेस्टिगेशन रह गया, दिस इज द फनीएस्ट थिंग। एनीबडी हु इज लिसनिंग टू हिम विल थिंक दैट ही इज जस्ट यू नो स्पीकिंग आउट ऑफ हिज हैट। एफआईआर व्हेन इट इज लॉस्ट इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर दैट एनी एंगल कैन अनफोल्ड एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, कुछ लोगों को लगता है ये ड्रग्स पर आ गया मामला खत्म, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ ड्रग्स में गिरफ्तारी हो गई और यहीं से असली जांच शुरू है। नासिर अब्दुल्ला बोलिए अपनी बात। अब जहां तक मुझे अभी तक मालूम हुआ है, जो वो जो नारकोटिक्स जो जो अपना डिपार्टमेंट है उन्होंने साबित उनके साथ में कर दिया कि रिया ने ये बात एक्चुअली कही है कि दोनों मिलके वो ड्रग्स जो है कंज्यूम ये अपना करते थे, जो भी मारवाना हो या जो भी। तो अब एक बात और सुन लीजिए, पहले रिया ने झूठ बोला था कि मैंने नहीं लिए, अब वो मान गई हैं कि मैंने लिए हैं, दोनों एक साथ ही लेते थे, उनको रोकना बहुत ही मुश्किल था, ये उन्होंने पहले कहा था। तो काफ़ी अरसे से वो ले रहे थे, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसका अंजाम बुरा होता है। जो इंसान ज़्यादा इस चीज़ में जाता है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग दारू की वजह से, हशीश की वजह से, ओपीएम की वजह से अपना जो करियर है, अपना वो जो संतुलन है वो फिर खो बैठते हैं और कुछ हद तक बर्बाद हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, कोई मतलब उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि दोनों लेते थे और सुशांत सिंह दूध पीते हुए बच्चे नहीं थे, ये हमेशा याद रखें। और दूसरी बात ये, अगर आपका बॉयफ्रेंड ड्रग मंगाता है, जैसे कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं अपनी बीवी से बोलूँ एक बोतल दारू की आज मंगवा, तो वो बेचारी मंगवाती है, ड्राइवर को बेचती है, नौकर को बेचती है, खुद लेती है, अपने बदन को बेचती है, अगर उसके पास में पैसे ना हो कि भैया इसका दारू का काम हो जाए, तो वो भी फिर मतलब ये कि खिंच जाती है और वो भी इस दायरे में आ जाती है। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, आप अपने तर्कों में थोड़े ज्यादा दूर चले जाते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज आप नेशनल पे यूज करते हो, पूरा लूट खाइए, हर जगह से उसको लूट खाइए। हमने तो ये भी पता लगा था कि उसने घर की सामान बेच दिया, घर में जितना सामान था वो सामान बेच दिया, और कह रहे हो कि अपने जिस्म को बेच दिया। और पहले तो खुद उसने बोला है चैनल पे जाकर के, खुद उसने बोला मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत ड्रग्स लेता है, अब कैसे कबूल लिया कि हम दोनों लेते हैं, इसका मतलब झूठी एक नंबर की। नेशनल टीवी पे रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि इसमें तो बोला कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत लेती है। लेकिन आप क्यों कबूल कर रही है, आप क्यों कबूल कर रही है, जो लड़की ऑलरेडी एक झूठी है, जो लड़की ऑलरेडी झूठी है, आप उसके स्टेटमेंट पे नहीं विश्वास करती। सुशांत चला गया, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, सुशांत चला गया, हम उसकी स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते कि वो बोल रही है सुशांत ड्रग्स लेता है। जो लड़की का सच झूठ सामने आ गया, सच्ची है नहीं, पर झूठ सामने आ गया, हम बिल्कुल भी उसकी स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते, एक सेकंड रुकते, विश्वास नहीं कर सकते। उमाकांत जी परेशान हो गए आप लोगों के झगड़े से, एक सेकंड रुकिए ना, नहीं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते उसकी स्टेटमेंट में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने क्या कहा, आज तक ने बात की उनसे, आप लोगों को भी सुनना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी बहुत लंबा चलेगा ये,
और तीन भारत सरकार की एजेंसी अलग अलग मामले को देख रही है, ईडी देख रही है वो अपना विषय से संबंधित मामला, एनसीबी देख रही है अपने विषय से संबंधित मामला, सीबीआई अलग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुशांत के सो कॉल्ड सुसाइड का। तो अभी तो ये एनसीबी के द्वारा ड्रग या ड्रगिस्ट ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन के रूप में हमको तो डिटेल भी नहीं मालूम है, आप ही सूचना मिली तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। तब इतना तो पता चल रहा है लोगों को कि जो अपने को बहुत इनोसेंट प्लीट करते थे वैसे लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं, इमोशनल स्टेटमेंट देने वाले अपने को इनोसेंट प्लीट करने वाले लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं, तभी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी को एक तो आप कैसे किस तरीके प्रकार देखते हैं, दूसरा क्या ये हत्या की तरफ जो आशंका जताई जा रही थी सुशांत राजपूत के को लेके हत्या का मामला हो सकता है तो ये उसी की तरफ बढ़ता देखिए, चूंकि ये केस सीबीआई अनुसंधान कर रही है इसलिए इसमें बीच में हम लोगों जैसे जिम्मेदार आदमी का बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब इससे तो बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि रिया का ड्रग पेडलर्स के साथ भी कनेक्शन था, वो ड्रग लेती थी। अब वो बोल रहे हैं कि हम इसके लेते थे, उसके ले लेते थे, किसके ले लेते थे, तो मैं तो उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उनका ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हुआ, प्रूफ हुआ, तभी तो एनसीबी ने गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस को शुरू से ही इस प्रकार की आशंका, ये शक देखिए बिहार पुलिस को नहीं पूरे देश को लगता था कि मामले में कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई मिस्ट्री है, पूरे देश को लगता था, बिहार पुलिस का और बिहारियों को क्यों कहते हैं सुशांत के और बिहार का बेटा, पूरे देश को लगता था, पूरे देश की संवेदना जुट गई थी, पूरे देश के लोग जानना चाहते थे कि आखिर इसमें क्या मिस्ट्री है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है तीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें लगी हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है तो चीजें आ रही हैं, अभी तो बहुत चीजें आनी हैं। साथ साथ मुंबई पुलिस की कलाई भी खुल गई। मुंबई पुलिस में मेरी टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है ज्यादा, मैं जितना काम की बात है मैं बोल चुका हूँ, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है, हम लोग को धीरे पूर्वक इंतजार करना चाहिए। ये तो बिहार के डीजीपी जो कि बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है निश्चित रूप से और भी आगे मामला सामने आएगा। कैमरामैन नदीम आराम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। तो सुना आपने गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि चीजें सही दिशा में जा रही है, हालांकि जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए हमारा इस मामले में किसी भी तरीके का कॉमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसी के बाद ये पूरा मामला आज यहां तक पहुंचा है। उमाकांत मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि आज इस मकाम पर जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ड्रग केस में हुई है, इसको सुशांत की मौत के मामले से जोड़कर देखना उचित है? मिश्रा जी, जी अभी तक एक लिंक की पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप जो कह रहे हैं एनसीबी की जो ड्रग इन्वेस्टिगेशन है और सीबीआई के जो होमिसाइड या सुइसाइड का जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें एक लिंक में देख सकता हूँ कि बन सकता है, क्योंकि अभी मामला एम्स के पास जाएं जो विसेरा वगैरह जो उन्होंने एग्जामिन करेंगे और जो अदर केमिकल्स जो अदर पॉइजन्स जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है उसमें अगर कोई ट्रेस क्वांटिटी अगर कोई ड्रग्स मिलता है तो ये जो एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन जो है एक नए सिरे से एक तुर पकड़ सकता है, यही लिंक में देख सकता हूँ। दूसरा जो है आज रिया की जो अरेस्ट के साथ एनसीबी का एक इन्वेस्टिगेशन का पड़ाव खत्म हुआ, उसके बाद जो फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस जो हुआ होगा और उसी में जो अभी देखिए जो अभी रिसेंटली जो दो दिन पहले जो सीजर हुआ अनुज के पास से, इससे ये लगता है कि वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसके जो डाटा रिट्रीव हुआ होगा ये होगा और इसी जो पहले जो रिया के जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो फॉरेंसिक डाटा का होगा उसी में जो सारे आए होंगे वो एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कारण बनेगा और यही मैं देख सकता हूं अभी। विकास गुप्ता जी, कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि मामला यहां खत्म, जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रग के केस में रिया गिरफ्तार हुई, जमानत हो जाएगी, मामला अब ड्रग की जांच पे चलेगा। कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि अब पहली गिरफ्तारी सही तरीके से रिया चक्रवर्ती की भले 10वें नंबर पर हुई लेकिन यहां से असली जांच शुरू होगी। रोहित जी, अगर सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये हत्या नहीं और आत्महत्या थी तो इससे क्यों तकलीफ होनी चाहिए लोगों को? क्यों लोग सिर्फ यही धारणा बैठ करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये मर्डर ही है? आप मुझे बताइए, हमें सत्य तक जाना है। क्या सत्य आत्महत्या पर अगर आके खत्म होता है और ये निष्कर्ष सीबीआई निकालती है
तो क्या ये हमें दुख देने वाली है? क्या हम किसी एजेंडा के तहत रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं सुशांत का मर्डर हुआ होगा, ये हुआ होगा? क्या नॉर्मल प्रैक्टिस में अगर सुशांत की आत्महत्या का निष्कर्ष सीबीआई निकालती है और अबेटमेंट टू सुसाइड पे भी नहीं आती, तो क्या ये सच समाचार होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताइए। ठीक, चलिए देखते हैं सर ये चीजें कहां तक आगे जाती हैं। लास्ट कमेंट, मानवी कुछ करना चाहती हैं फटाफट से एक छोटा सा? हाँ जी, नासिर साहब को ये बोलना चाहती हूँ कि नासिर साहब अब रिया का केल हो गया खत्म, अब एक्शन की बारी है और एक्शन हो के रहेगा। चलिए देखते हैं एक्शन कहां तक जाता है। लगातार आज तक आपको इस मामले में हर एक्शन की खबर दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है, सबसे सटीक दे रहा है, बिना किसी पक्ष या बिना किसी विपक्ष के एकदम निष्पक्ष तरीके से दे रहा है और आगे भी देता रहेगा।